गाइस, दिस इज सौरभ और आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एक HTC के ट्रिमर की, जिसका मॉडल है AT129C। जैसा कि आप इसकी पैकेजिंग देखकर बता ही सकते हैं, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इसके फीचर्स भी मैं आपको बता देता हूँ। सो यूजिंग दिस यू कैन डू जीरो कटिंग एंड दिस सपोर्ट्स USB चार्जिंग, फुल्ली वॉशेबल एंड फैशन डिजाइन। और इसकी प्राइस है 599 और हमने इसे बाय किया था Amazon से। तो हमने इसे क्यों बाय किया, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर हम बाहर जाते हैं तो फिर कोरोना वायरस स्प्रेड हो सकते हैं, इसलिए हम घर पे ही एक ट्रिमर लाए हैं और ये हेयर पे भी काम करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं जीरो कट। तो फ्रेंड्स, चलिए इस ट्रिमर को अनबॉक्स करते हैं। ये है हमारा ट्रिमर। तो मैं इसका पॉलिथिन हटा देता हूँ। और इसे काटूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पॉलिथिन हटाने के बाद इसकी बहुत प्रीमियम लुक आ रही है। तो इसको इधर से निकालना है, तो पहले इस चीज को हटाना पड़ेगा। मैं इसको इसकी हेल्प से हटा देता हूँ। देखिए ये हट चुका है। तो ये बहुत टाइट लगता है मुझे। और सामने हमें एक प्लास्टिक का केस टाइप का कुछ दिख रहा है, इसको इस तरीके से निकालना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक ऑपरेशन मैनुअल। आप ज़रूर इस मैनुअल को पढ़िए, क्योंकि अगर आप इस मैनुअल को नहीं पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। मैं इसको साइड रख देता हूँ। और ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट, जो है हमारा ट्रिमर। फ्रेंड्स देखिए, ये कितना बड़ा ट्रिमर है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक छोटा सा ब्रश। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज के क्लिप्स मिल जाते हैं आप। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फर्स्ट क्लिप, जो है 9mm का। यहाँ पे साइज भी लिखा हुआ है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। जो हमारा जो दूसरा क्लिप है उसका साइज है 12mm, आप देख सकते हैं। ओके, सो हमें, मुझे लगता है हाँ, यहाँ पे 4 क्लिप्स टोटल हमें मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमें 3mm का क्लिप मिल जाता है। और हमारा जो लास्ट क्लिप है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये है 6mm का एक क्लिप, इसको भी रखते हैं साइड में। और ये हमें बॉटल मिल जाती है, जिसके अंदर एक लिक्विड है, जो अगर आपको अपनी मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप इसे लगा के उसे और अच्छा बना सकते हैं। और यहाँ पे एक USB केबल मिल जाती है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि आप USB से भी चार्ज कर सकते हैं। वैसे आप किसी भी USB से चार्ज कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, अभी हम इस ट्रिमर को इसके पॉलीथीन से निकालने वाले हैं। वैसे देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। देखिए यहाँ पे HTC की आपको ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। इस HTC के ब्रांडिंग को मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। और देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लैक कलर का होने के साथ साथ बहुत ही प्रीमियम लुक देता है हमें। और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉशेबल। तो इसे ऑन करके देखते हैं कि इसमें चार्ज है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें चार्ज है, आप कभी भी इसके अंदर
उंगली ऐसे टेस्टिंग करने के लिए मत डाल दीजिएगा, बहुत खतरनाक हो सकता है। ओके, तो हम अब इसके क्लिपर्स को फिट करेंगे। तो ये है हमारा पहला क्लिप और इस क्लिप को हम कुछ ऐसे फिट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लिप फिट हो चुका है और ये क्लिप्स इसलिए दी गई है ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट साइज पे हेयर्स को काट सकें। ओके, सो अब हम इस क्लिप को निकाल लेते हैं। क्लिप को निकालने के लिए यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, आप इसको जैसे ही पुल करेंगे वैसे ये निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए तो आपको थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी। तो अब डालते हैं सेकेंड वाला जो है ये 9mm वाला। तो देखिए ये वाला भी डाल चुका है, इसके अंदर से बहुत अजीब सी आवाज आ रही है देखो। ओके, तो हम इसे भी केयरफुली निकाल देंगे, ये भी निकल चुका है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरे क्लिप की तरफ। तो ये है तीसरा क्लिप जो है 3mm का, इसको भी मैं लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, यहाँ पे एक लॉक टाइप का दिया हुआ है, आपको इसमें कुछ ऐसे पकड़ना है, ऐसे इसके अंदर डाल देना है और फिर नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है इधर से पुश कर देना है, तो फिर ये अपने आप ही लॉक हो जाएगा, जितना बार भी आप हिलाओगे नहीं होगा कुछ। तो इसको भी हम निकाल देते हैं बड़े केयरफुली। तो ये वाला मुझे बड़ा हार्ड लग रहा है, तो मैं किसी बड़े की हेल्प से निकाल दिया था, अब बस देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा तीसरा क्लिप, तो मैंने भी इसे निकाल दिया है। अब हम ट्राई करते हैं हमारा फोर्थ क्लिप जो है 12mm का, अब तक का सबसे बड़ा क्लिप, इसको भी उसी वे में ही लगाना है ऐसे करके। ये है सबसे बड़ा क्लिप। निकालना थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको रखते हैं नीचे। और फ्रेंड्स, ये है इसका क्लीनिंग ब्रश, जैसे आपका कोई बाल अटक गया है तो फिर आप ऐसे क्लीन कर सकते हैं, तो ये बात बहुत अच्छी है कि आप ऐसे क्लीन कर सकते हैं। तो आपका अगर मशीन बीच बीच में अटक रहा है तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल दिया है, आपको क्या करना है, ऑयल को आप या तो डायरेक्टली डाल सकते हो या तो इसमें लेके आप ऐसे से कर सकते हैं। वैसे मैं आपको कहूँगा कि इससे लेके कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो अब आते हैं हमारे चार्जर पर। तो ये है चार्जर और इसकी सबसे बेस्ट बात क्या लगी मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले इस चार्जर को निकाल लूँ। इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि ये लंबा है, ये इसकी सबसे बेस्ट बात नहीं है। जो ये है, जो ये यूएसबी पोर्ट है, इसको आप किसी भी डिवाइस या तो किसी भी अडाप्टर में लगा सकते हैं। आप इसे अपने लैपटॉप या तो ओटीजी में लगाकर मोबाइल से भी इसको चार्ज कर सकते हैं और एक नॉर्मल अडाप्टर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं, बिलीव मी ये सच है। तो इसको जैसे आपने अडाप्टर में इधर लगा दिया और इसका जो ये वाला साइड है आपको इसके नीचे लगा देना है, कुछ गलत साइड लगा दिया, ये ऐसे ही था, कुछ ऐसे आपको लगा देना है।
तो देखिए मैं आपको अभी इसको चार्ज करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए एक अडाप्टर को लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक एक्सटेंशन कॉर्ड ला चुका हूँ और ये है एक मोटोरोला का पावर अडाप्टर। ये एक फास्ट चार्जिंग अडाप्टर है, आप कोई भी नॉर्मल सा अडाप्टर ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, और लगाने से पहले मैं इसको अनप्लग कर देता हूँ। और ये जो है तो इसको यूएसबी केबल है, मैं इसको कुछ ऐसे यहाँ पे लगा और तो बीच में लगाया और यहाँ पे फिट कर दूंगा। बार बार मुझे यही चार्जिंग के बाद। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लगाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी की एक ब्लू लाइट चमकने लगती है। यहाँ से मैं ऑफ करके दिखाता हूँ। देखा आपने कैसे ऑफ हुआ ये? इसे ऑन तो ऐसे हो जाते हैं, बट इसका ऑफ होने का देखिए कितना स्मूथली ऑफ होता है। तो फ्रेंड्स ये है एक ब्लू कलर की लाइट जो आपको इंडिकेट कर देगी कि ये असली में चार्ज हो रहा है। और आप इसे चार्ज करते हुए अगर चलाएंगे तो फिर चार्जिंग होना बंद कर देगा। चार्जिंग होना बंद आपको कैसे पता चलेगा? इसकी लाइट ऑफ हो जाएगी। तो देखा आपने कितना अच्छा टाइमर है ये। अभी मैं चार्जिंग को ऑफ कर देता हूँ। वाह, जब मैं इसको ऑफ करता हूँ वो बहुत सैटिस्फाइंग फीलिंग होती है जब ये ऑफ होता है चार्जिंग। तो फ्रेंड्स मैं इन सबको रख देता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो आज की वीडियो का लाइक गेन है 100 लाइक्स, तो प्लीज कर देना और कमेंट करके बताइए ये आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो न्यूली आए हैं मेरे चैनल पर। तब तक।